पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेंगे। शिव उपासना के लिए जितनी बारह महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं जीवन में, कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता। कहा तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा, बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर, कोई पुण्य नहीं करूंगा, मैं तो करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरु जी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरु जी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा, किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा लाके गुरु जी के आश्रम में डाल दे। गुरु जी भी बड़े परेशान, कहां से लिया है इसको। फिर भी गुरु जी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा, जाते जाते गुरु जी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा, नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाए, मरेगा ये पक्का, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए, तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना, वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना, बस इतना कहना और कुछ मत कहना, जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया, तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा, बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो कहे, पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा, पाप भोग लेता हूँ और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूँ, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा, ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य के खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा, हुआ क्या प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा, अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य के खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा, बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु के मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा, वेदव्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को, शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेदव्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा, यह पक्का। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते ना तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते, देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आंखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है, ये हाथ की ये यहां से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहाँ तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये दो पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है दो कोर की, वो बेलपत्र यहां सुख सुंदरी वाली जगह पर रखना, और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र, पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो,
जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो बल जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है या छाले हो रहे हैं या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली ना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज की आज ऊपर नीचे हो रही है वो कल करके देखना और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर दे। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है वो भी आज ही कर कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है, एक बेलपत्र और क्या कृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर तीन बार गिराते हुए त्रंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया, बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम लीजिए, मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, अवश्य। शिव शिव है, शंकर शंकर। अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, जम के तो बोलो जरा, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, बड़ा मुख्य स्थान होता है अशोक सुंदरी का, फिर निवेदन है उसको समझिएगा। शिवलिंग के जलाधारी में जो सामने स्थान होता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इधर षडानंद कार्तिकेय, इधर गणेश जी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शंकर जी का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपकता है वो शंकर जी की पांच बेटियां, क्या नाम है उनका, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की पांच बेटियां उस पानी को बूंद बूंद गिराती। अशोक सुंदर का जो स्थान है वो बड़ा मूल है, बहुत। यहां तक कहेंगे हम, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, एक रुपया कमा रहे, सवा रुपये खर्च हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए, हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकू हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी कि ना, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर एक महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है, षडानंद कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है।